सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ शुरू अपने रोड वाले साइड से। और आज हम लोग जा रहे हैं लंच, जो कि यहाँ से है तकरीबन कितने किलोमीटर है, यहाँ से कितने किलोमीटर? 60-70 किलोमीटर है। और साहिल जा रहा है, साहिल के साथ मैं जा रहा हूँ। और हम लेके जा रहे हैं अपनी धन्नो, आप देख सकते हैं। और चलो सफ़र शुरू करते हैं गाइज, और चलो चलते हैं। शादी के बाद मैं अभी फ्री हुआ हूँ, और आज तारीख है 27 है ना, कितनी तारीख है? 27 है। चलो चलते हैं और इन्जॉय करें मेरे व्लॉग को। सो गाइज, हम लोग अभी लंच के लिए निकलेंगे। जो आगे सामने रास्ता है वो लंच के लिए जाता है, और पीछे हैं हमारे भाई और उनके पीछे लंच, और साथ में ही चल रहे हैं गाइज। दो बाइक्स आई थी, एक तो ये हमारी है और दूसरी भाई की है, सुपर स्प्लेंडर। और हम लोग यहाँ पे साहिल ले रहा है कुछ सामान और उसे मिला नहीं, तो आगे लेते हैं। चलो चलो, फिक्र नहीं करने जा रहा, जा रहा नहीं, बड़े बड़े कान क्या है, बड़ी क्या बड़ी। Thank you.
जबड़ों में दर्द हो गई, जबड़ों में, तो उस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ अच्छे तरीके से। कोई बात नहीं, फिर निकल रहे हैं। चलो चलते हैं, हम तो जाते थोड़े भर के फड़ो ही जाते, 10 मिनट लोग बचा पानी पी लेते। चलो कोई नहीं, चाचा जी आते। और फिर से साहिल ड्राइविंग कर रहा है, आई मीन मैं। गाइस लोकेशन तो आप चेक कर ही सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे इतने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और मतलब अच्छा ही नज़ारा है, काफ़ी अच्छा। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे निकले थे, 5:30 बजे, और 7:30 हो रहे हैं अभी। और हम लोगों ने सफ़र कर दिया 50 किलोमीटर से आगे निकल गए हैं, और लंच रह गया है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर। मैंने हेलमेट इसलिए लगा रखा है क्योंकि डर रहता है ना, मेरे को ठंड लग जाती है ना कभी कभी, इसलिए हेलमेट लगाया मैंने। और साहिल को ठंड तो लगती नहीं है, ऊपर से इसकी आँख में कोई कचरा भी नहीं पड़ता, मेरी आँख में कचरा भी पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं हेलमेट लगा के रखता हूँ। और अपनी सेफ्टी, अपने सर की सेफ्टी अपने हाथ में होती है गाइस। ये जो व्लॉग आपने पीछे देखा, ये था माँ कुटेश्वरी का मंदिर लंच में। और गाइज यहाँ पे मैं पहली बार गया, मेरा फर्स्ट टाइम था गुरुजी के पास जाना और माँ कुटेश्वरी के दर्शन करना।
और मुझे यहाँ पे जाके जब मैं गुरुजी से मिला, अभी गाइस जो हम आगे जाने वाले हैं तो गुरुजी से हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कि उनके जो बायोग्राफी है उनके बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, और माँ कोटेश्वरी के जो मंदिर है मतलब उसके जो इतिहास है उसके बारे में गुरुजी से पूछूंगा, और सब कुछ पूछ के फिर गाइस मैं व्लॉग में अपलोड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। जब गाइस मैं गुरुजी से मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनसे जब मिला, उनकी बातें सुनी, उनसे जब थोड़ी बहुत बातचीत की तो मेरे मन को इतना अच्छा महसूस हुआ, मतलब मैं टोटली गाइस मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ वहाँ पे जाके। और मैं अपने ब्लॉग में और जब हम लोग आगे जाते रहेंगे तो वो ज़रूर मैं ब्लॉग अपलोड करता रहूँगा और बताता रहूँगा, और ये जो ब्लॉग आने वाले हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आई होप ज़रूर हेल्पफुल होंगे गाइज। सो फिलहाल के लिए आज का जो ब्लॉग है बस इतना ही, और बने रहें मेरे साथ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।